हर किसी के पास 10 या अधिक सिर होते हैं। राम एक ऐसे इंसान की हत्या के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया। अगर आप आम का पेड़ देखते हैं, उसमें आम अधिक हैं या पत्ते? हम उसे पत्तों का पेड़ नहीं, आम का पेड़ कहते हैं। तो कृपया ये करें। I have killed. मैंने एक ऐसे व्यक्ति की हत्या की है जो धर्म परायण था, शिव का महान भक्त था, बहुत बड़ा ज्ञानी था, एक महान राजा था, एक दयालु व्यक्ति था। बाकी लोग हैरान रह गए। लक्ष्मण उनके छोटे भाई बोले, आप क्या बात कर रहे हैं? रावण ने आपकी पत्नी का अपहरण किया था। राम ने कहा, वो दूसरे 9 सिरों का काम था। उसके 9 सिरों में लालच, जलन, वासना वगैरह भरे थे, लेकिन एक सिर ऐसा था जिसमें विवेक, ज्ञान, धार्मिकता और भक्ति थे। मुझे अफसोस है उस सिर को काटने का। इसमें आपको ये बताने की कोशिश हो रही है कि आप सभी के पास 10 या अधिक सिर हैं, हर तरह की चीजें। क्या आप देखते हैं? किसी दिन आपके सिर में लालच है, किसी दिन जलन है, किसी दिन नफरत है, किसी दिन प्यार, किसी दिन सुंदरता, किसी दिन बदसूरती। अगर मैंने आपको जलन वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये जलन खोर है। अगर मैंने आपको लालच वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये लालची है। अगर मैंने आपको नफरत वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये नफरत से भरा है। अगर मैंने आपको वासना वाले पल में देखा तो मैं कहूंगा ये वासना से भरा है। नहीं नहीं, हर किसी के पास 10 या अधिक सिर होते हैं। अलग अलग समय पर अलग अलग सिर काम कर रहे हैं, लेकिन हर किसी के पास कम से कम एक सिर होता है जो प्यार, सुंदरता, उदारता और करुणा वाला होता है। तो आप अपने जीवन में सबसे बड़ी भूल ये करते हैं कि किसी गुण को पहचानने और उसकी आलोचना करने की बजाय आप व्यक्ति की आलोचना करने लगते हैं। राम यही कहने की कोशिश कर रहे हैं। राम एक ऐसे इंसान की हत्या के लिए प्रायश्चित कर रहे हैं जिसने उनकी पत्नी का अपहरण किया और बहुत से बुरे काम किए, लेकिन राम अब भी इस बात को पहचान रहे हैं, उसका एक सिर था जो बहुत सुंदर था, मुझे उसे नहीं काटना चाहिए था। यह इंसान बहुत बड़ा ज्ञानी है, इसीलिए उनकी पूजा की जाती है। हर समझदार व्यक्ति ऐसा ही होता है। एक गुलाब के पौधे को देखकर हम इसे गुलाब का पौधा कहते हैं। बताइए, उसमें गुलाब ज्यादा हैं या कांटे ज्यादा हैं? कांटे ज्यादा हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं क्योंकि हम सुंदरता को पहचानते हैं। शायद एक ही गुलाब है और हजारों कांटे हैं, लेकिन फिर भी हम उसे गुलाब का पौधा कहते हैं। अगर आप आम का पेड़ देखते हैं, उसमें आम अधिक हैं या पत्ते? बेशक पत्ते ही अधिक हैं। हम उसे पत्तों का पेड़ नहीं, आम का पेड़ कहते हैं क्योंकि हम उससे टपकने वाली मिठास को पहचानते हैं। वो मिठास से भरी बूंदें, पत्तों से भरा पेड़, पर वो एक आम, वाह, आम का पेड़। हम लोगों में इसे क्यों नहीं देखते? अगर मिठास की एक भी बूंद हो, क्या आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जिसमें मिठास की एक भी बूंद ना हो? देखा है आपने? तो कृपया ये करें। अपने आसपास के सभी लोगों में जिनके साथ आप रोज काम करते हैं, जिनके साथ आप रगड़ खाते रहते हैं, कंधे रगड़ना नहीं, आप समझ गए होंगे। बस इतना कीजिए, वो सभी लोग, वो घटिया आदमी, ये बुरी औरत, देखिए कि क्या आप इनमें मिठास की उस एक बूंद को पहचान सकते हैं? क्योंकि अगर आप उसे नहीं पहचान सकते तो वो आपके भीतर भी प्रकट नहीं होगी। आपको ये जान लेना चाहिए। आपको दूसरों के भीतर जो बुरी बातें दिखती हैं, वही बातें आपके भीतर भी झलकेंगी।
इसका अर्थ ये नहीं है कि आपको हर चीज से नजर फेर लेनी चाहिए, नहीं। We see the leaf. हम पेड़ पर पत्ते देखते हैं, गुलाब के पौधे में कांटे देखते हैं, लेकिन हम पहचान देते हैं फूल और फल को। हमें बस यही करना है। That's all we need to do.